सुनवा तहसील नैन देवी जिला बिलासपुर से रहने वाले हैं और हमारे रास्तों का यही हाल है शुरू से लेके आज दिन तक, और दो चार हादसे इससे पहले भी हुए। जो आज हादसा हुआ है ये सुबह शीला देवी को सर्प ने काटा है और इसके घर वाले का नाम ज्ञानचंद है जो कि हमारे इधर के रहने वाले हैं, और आज से भी दो तीन चार साल से भी यही चलता आया है, हमें सबके पास गए परंतु रास्तों का सुधार नहीं हुआ है और आज भी यही हालात है। और अगर रात को कोई बीमार पड़ जाता है तो हमें ले जाना ऊपर पक्के रोड पे पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इससे पहले भी मेरे माता जी भी को बीमार थे, उनको टाइमली हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके और उनकी जबकि हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है तो उनकी मौत हो गई है। फिर हमारे चाचा जी का भी यही हाल हुआ है, जबकि उनको भी टाइमली हम पहुँचा नहीं सके, उनको भी उठा के ले जाना पड़ा हमें, उनकी भी मौत हो गई। फिर हमारे पापा जी भी बीमार गए परंतु उनको हम चंडीगढ़ टाइम सिर पहुंचा सके ताकि उनका इलाज चला और टाइमली हम पहुंचा सके उधर लेके चंडीगढ़ में। और आज शीला देवी का भी हाल हुआ है, जबकि इधर कुछ साल था फिर हम पांच छह बंदे इकट्ठे होकर गांव वालों को वाजे डालकर के इकट्ठे किया और उनको उठा के पक्के रोड पे तक पहुँचाया, जबकि यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलोवा जबकि ये 1968 सन से बना हुआ है, 1968 का बना हुआ है और यहाँ स्कूल के साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी है, वो ये भी बहुत पुराना डिपार्टमेंट है और स्कूल के पास प्राइमरी स्कूल भी है साथ में और साथ में आंगनबाड़ी स्कूल भी है। इधर सलोवा में डंगू है और कैसे बिल्कुल जी बिल्कुल ਬੋਟਾ ਮੰਗਣ ਆਏ ਮੂੰਹ ਜਾ ਬਸ ਬੋਟਾ ਨੂੰ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੱਕਣੀ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਹ ਤੋਰ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ये देखो हमारे रास्तों का हाल, ये जो पंचायत है पंचायत वाले प्रधान जो भी है ये बूटा ठक के ले जाते। कौन सी पंचायत है ये आपकी है? कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत सलोवा डाकखाना सलोवा जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। प्रधान भी जब भी इलेक्शन आते हैं तो बूटा ठक के ले जाते, कोई भी मतलब पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो वो भी हमारे से वोटा ठक के लेंदे, फिर मुड़ के मुंह नहीं दिखाते हमारे को। हैं जी ये देखो हमारे रास्तों का हाल, इसी रास्ते की वजह से कम भी पाँच सात मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे इसलिए मतलब मौतें हुई कि हम सड़क के किनारे नहीं पहुँचा सके मरीज को, हैं और रास्ते में ही मतलब हो जाते हैं।